नमस्कार, मैं हूं ऋषि जैन और आप देख रहे हैं ओटीटी इंडिया टीवी। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में कन्या राशि राशिफल 2021 की। याद रखें, ये राशिफल 2021 कन्या राशि के जातकों के लिए साल का आरंभ या साल का अंत उन्हें करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि हम ऐसी बातें बताने जा रहे हैं कन्या राशि की जिसे जानने के लिए आज करोड़ों लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। ये वर्ष जी हाँ, आपके तृतीय भाव में केतु और नवम भाव में राहु का गोचर रहेगा, तो इस साल कन्या राशि के जातकों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले बेहतर पे बेहतर होती जाएगी। साल के मध्य में जमीन और घर खरीदना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इससे आपकी संपत्ति में इजाफा होगा। व्यापार में मुनाफा और कई सालों का अटका हुआ धन मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी। अक्टूबर के महीने की बात करें दर्शकों, यदि आप कन्या राशि के हैं तो आपके आर्थिक लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन याद रखें आप व्यर्थ के खर्चों पर अपना नियंत्रण रखें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए बात करते हैं आपके वर्क प्लेस की। इस समय इस साल आपको नए लोग मिलेंगे जिनसे आपका नाम होगा और हो सकता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई ऐसे इन्वेस्टर्स मिल जाएं जिससे आपका वो प्रोजेक्ट सिरे हो। इस वर्ष आपको उन्नति के कई अवसर मिलेंगे। कन्या राशि की बात कर रहे हैं हम, वर्ष 2021 के मध्य में आपको कोई नया काम नहीं करना क्योंकि ये अवधि ऐसी है जहाँ आपको हानि हो सकती है। कन्या राशि के जातक जो नौकरी करते हैं उन्हें भी अपने कार्य को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और नई नौकरी को लेकर तो आपको बहुत बहुत सावधानी बरतनी होगी। जी हाँ, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो अब चर्चा करेंगे हम आपके पारिवारिक राशिफल की, क्योंकि ये वर्ष आपके परिवार के लिए बेहतर जाएगा। घर के सदस्यों के साथ कुछ समय से अगर जो खटास चल रही थी, अनबन चल रही थी, वो भी इस साल कम होगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा। वर्ष के अंत की बात करें तो हो सकता है आपके परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो क्योंकि कन्या राशि के जो जातक हैं इस साल आध्यात्मिक कार्यों की ओर बढ़ेंगे। दर्शकों, चर्चा अब करना चाहेंगे वैवाहिक लोगों की जिनका 2021 में उनकी मधुर संबंधों से शुरुआत होगी, लेकिन याद रखें साल के मध्य में आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच अहम और आपके बीच गलत फहमी का आना होगा जिससे घर में मानसिक तनाव हो सकता है। वर्ष के अंत में धीरे धीरे जो ये रिश्ता है मियाँ बीवी का, वहाँ तालमेल बैठेगा, फिर रिश्तों में मिठास आएगी। कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो कि इस वर्ष जो सितारे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। आपको खान पान में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था, आप साल के अंत में या साल की शुरुआत में करोड़पति बन सकते हैं, तो याद रखें आप किसी ज़मीन से आपको कोई अच्छा सौदा मिल सकता है जिससे आप करोड़पति हो जाएं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। आप क्या करें, किसी भी पूर्णिमा को या किसी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप खीर बनाएं या फिर आप चॉकलेट, छैना, मिश्री, इसका दान जो है वो छोटी कन्याओं में कर सकते हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं कन्या राशि के जातक है तो आप अपने बिलावट को हरी इलायची गिफ्ट करें, आपकी लव मैरिज जल्दी आपको शुभ संकेत मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टडी वीज़ा लगवाना चाहते हैं या आप फेल हो रहे हैं, आप पास होना चाहते हैं, तो एक उपाय करें, आप अपने पर्स में चांदी का चकोर टुकड़ा रखें, आपको लाभ होगा। और अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, ओवरऑल अपनी तरक्की चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सरकार से बड़ा ह्यूज अमाउंट आए, तो आप रविवार को 1.25 किलो गेहूं का दान करना शुरू कर दें, आपको लाभ होगा। ऐसी ही अन्य जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहें ओटीटी इंडिया टीवी का खास ज्योतिष शो। और हाँ, ओटीटी इंडिया टीवी का ऐप अभी डाउनलोड करें ताकि हर काम का वीडियो आप देख पाएं। इतना ही नहीं, फिल्म, वेब सीरीज, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, हेल्थ, भक्ति, करियर, एजुकेशन, लॉ, डिफेंस, नेचर, पब्लिक सर्विस, हर तरह के खास प्रोग्राम, न्यूज़, डॉक्यूमेंट्री, सब कुछ है यहाँ आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, याद रखें ओटीटी इंडिया टीवी, इसके लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंकडाउन पर जुड़े और साथ ही साथ डाउनलोड करें अपना पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म ओटीटी इंडिया टीवी।